क्योंकि खेल है, क्रिकेट का खेल है, ये कभी भी पलट सकता है। हार जीत इस खेल में होती रहती है। यहाँ पर टूर्नामेंट सबसे देखा जाए तो करीब होने वाले ग्रैंड फिनाले आपसे एक स्टेप दूर है। यहाँ पर अगर गलती करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपने एफर्ट लगाया, हर गेंद हर खिलाड़ी ने अपना एफर्ट लगाया, तो यहाँ से आपके चांसेस ज्यादा होने वाले है। मिरर्स टीम ऑलरेडी ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। दूसरी टीम इन दोनों में से किसी एक को, कोई एक बनेगा सिकंदर तो दूसरा जाएगा अपने घर। थैंक यू उसेद, मडगांव वॉरियर्स और फोंडा, यहां पर सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ नजर आएगा। स्कोरिंग को कर ले ओ नक्की नक्की श्योर श्योर। हेलो, चिपलूण तालुका पाटीदार समाज आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना डीएमजीना वेबकॉम पीडीओ तेमज आरएसवायसना सहकजांची एवा श्री अल्पेश भाई भावाणी नोही पाटीदार समाज तरफ से हार्दिक स्वागत छे। हूँ अंबालाल भाई नाकराणी ने विनंती करीस कि तेओ तेमनो यथोचित सन्मान करे। श्री अल्पेश भाई भावाणी, खूब खूब आभार तमारो, तमारी उपस्थिति प्रार्थनीय छे, खूब खूब धन्यवाद। अंदर यहाँ सत्कार होते हो कि आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आपने, सही कहा। हमारे मेहमानों का हम यहाँ सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। मैच की तरफ आते हैं, शानदार मुकाबला मडगांव और फोंडा के बीच, राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज रक्षात्मक रूप से खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के, दोनों ही बल्लेबाज को खौता करना है। दो बल्लेबाज है वेद और तुषार, सामना कर रहे हैं वेद, अभी खाता खोलना है। मेरे साथ अब स्कोरिंग की भूमिका में आए उसे आए हुए है, कुछ समय कॉमेंटेटर की भूमिका में थे और इस वक्त स्कोरिंग की भूमिका में। छोटा सा रन, राउंड विकेट, ओहो शानदार उरन खटोला, हेलीकॉप्टर शॉट मिड विकेट की दिशा में जाते हुए एक रन चुराते हुए। स्पष्ट इरादे बता दिए हैं बल्लेबाज ने कि चारों तरफ में खेल सकता हूं, महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में खेला हुआ शॉट मिड विकेट की दिशा में जाते हुए एक रन से खाता खोला, एक रन बिना किसी नुकसान। मडगांव टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय, जिस प्रकार से कमेंट्री की भूमिका में मैंने उसे को देखिए, अब स्कोरिंग की भूमिका में एक अच्छा सहयोग और साथ साथ कमेंट्स भी आते रहेंगे उसेद की ओर से। राउंड विकेट, ओहो अलोंग द कार्पेट खेला जब तक कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ का फील्डर आए, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, एक रन के साथ रन संख्या अभी कुल मिलाकर दो बिना किसी विकेट के, बिना किसी नुकसान के। लाइनमैन, हमने यहाँ लाइनमैन की व्यवस्था की है, जो लाइनमैन है उनसे हम विनती करते हैं कि आप लाइनमैन लाइन के बाहर आ जाए, ऑन द लाइन खड़े न रहे, लाइनमैन मेरे हमारे लेफ्ट साइड में जो लाइनमैन है वो लाइन के बाहर आए प्लीज। खेल शानदार चल रहा है, दो सलामी की जोड़ी बीच मैदान में है, कुल मिलाकर छह रन बन चुके हैं शानदार तरीके से। राउंड विकेट, फिर से एक बार अपने बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला है, इस्लामपुर में जब मैच हुआ था फाइनल के दावेदार रहे हैं और इस वक्त सेमीफाइनल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टीम फाइनल में प्रवेश करेगी और एक टीम का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आएगा, यानी सेमीफाइनल तक सीमित रहेंगे। यहां पर फॉलो थ्रू में थोड़ा सा मिसफील होते हुए एक रन का मौका जरूर मिला है, एक रन के साथ रन संख्या अभी है कुल मिलाकर सात रन बिना किसी विकेट के। एक ओवर की समाप्ति पर जिस तरह से स्कोरिंग की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें जो समालोचक होता है कॉमेंटेटर होता है उसको सही दिशा ले जाने का काम जो है
वो स्कोरर करता है और उसी भूमिका में हम उसित को देख रहे हैं। उभरते हुए युवा है, कमेंट्री हो चाहे स्कोरिंग हो, वे क्रिकेट के करीब करीब रहते हैं, क्रिकेट खेलते भी है, सराहना करने की उज्ज्वल भविष्य है, कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने की कभी हार नहीं होती। ओवर की समाप्ति, नए गेंदबाज आए हैं, प्रिंस, नाम प्रिंस का है। क्रिकेट में कितने प्रिंस होते हैं, कितने शहंशाह होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, कितने ऊपर जाते हैं, यह देखना होगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, समझ नहीं पाए गेंद को, चकमा जीती हुई गेंद विकेट कीपर को बीट करते हुए फाइन लेग की दिशा में। स्कोर अभी रुका हुआ 7 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पर है, शाम का समय करीब करीब आता जा रहा है और दर्शकों में उत्साह और वातावरण नजर आ रहा है। जीत होते हुए कई नजर आती है और फील्डर हारता हुआ नजर आ रहा है 4 रनों के लिए। हमने 14 देखा मिड विकेट की दिशा में, वेद ने 4 रन बनाए, 4 रनों के साथ वेद खेल रहे हैं, कुल मिलाकर 10 रनों पर टीम की रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 11 रन। दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पर है, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। क्रिकेट का महासंग्राम इस खरौते के शानदार ग्राउंड पर हम देख रहे हैं। एक बार क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, थोड़े से बीट होते हुए नजर आए हैं, अच्छा कमबैक किया था, पिछली गेंद पर प्रहार किया था और उसके बाद एक सटीक जगह पर गेंद फेंकी थी, खेलने पर मजबूर किया और क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, असफल रहे। इसको रुका हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के। दूसरा ओवर प्रगति पर, ओपन ग्राउंड है, बिल्कुल चारों तरफ ओपन ही ओपन है। जो फ्लैग यहाँ पर हिलते हुए नजर आ रहे हैं तो दर्शा रहे हैं कि हवा भी जो पश्चिम की ओर तेजी के साथ चल रही है। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, कवर ड्राइव, पॉइंट ऑफ ड्राइव या लॉन्ग ऑफ की दिशा में अच्छे शॉट खेल सकते हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, फील्डर के हाथों सीधा, कुछ ना कुछ नई चीज, नया प्रयास हम खेलते हुए क्रिकेट में देख रहे हैं। 360 डिग्री हमने सूर्य कुमार यादव को खेलते हुए देखा और लोकल क्रिकेट में जो खिलाड़ी जो खेलते हैं कहीं ना कहीं कॉपी कहीं ना कहीं कॉपी मारने का प्रयास जरूर करते हैं। दोनों टीमें जो है इस वक्त फिर सेमीफाइनल में खेल रही वो शक्तिशाली टीमें हैं, पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो। फिर से एक बार चूकते हुए गेंद विकेट के पीछे, विकेट कीपर के 10 स्थानों में जाती हुई, स्कोर को विराम लगा है, 11 रन बन चुके हैं। शानदार फोटो सेशन हो रहा है, जो टीमें आई है स्वागत किया जा रहा है पाटीदार समाज की ओर से। चिपलुन पाटीदार समाज कार्य बहुत अच्छा है, कोई भी उपक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ टीम वर्क होता है और यही नज़ारा हमें यहाँ देखने मिल रहा है। फिर से एक बार लगातार बल्लेबाज बीट होते हुए नजर आ रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, रन बनने होंगे, पावर प्ले का लाभ उठाना होगा। 2 ओवर यहां पर समाप्त होते हुए नजर आ रहे, मेरे सहयोगी स्कोरर बता रहे 11 रन बन चुके हैं बिना किसी विकेट के। कुल मिलाकर 11 रन बन चुके हैं, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8 ओवर का मुकाबला चल रहा है। 2 कैमरामैन लगे हुए हैं, एक्शन मोड पे हैं और विश्व भर में इस टूर्नामेंट का आनंद दे रहे हैं। समय समय के साथ चलता है क्रिकेट, समय का विचार करें, कप्तान जल्दी करे, आपको 8 ओवर के लिए लगभग 35 मिनट आपको दिए गए, 35 मिनट्स में आपके 8 ओवर कंप्लीट होना बहुत जरूरी।
फील्डिंग की सजावट दो ओवर पावर प्ले के यहाँ समाप्त होते हुए। अब फील्डर को 30 यार्ड के बाहर तैनात किया जा रहा है। चिपलून का संपूर्ण पाटीदार समाज जो है इस किया है और अपना योगदान दिया है, चाहे कोई भी योगदान हो, ग्राउंड फील्ड का योगदान हो या अन्य कोई योगदान हो, सारे योगदान मिलकर कहीं ना कहीं एक आप टीम वर्क बनता है और उससे कार्यक्रम होता है। और यही क्रिकेट की टूर्नामेंट हम देख रहे हैं जो शानदार चिपलून तालुका युवा संघ और सार कप टेनिस बॉल क्रिकेट लीग की ओर से किया जा रहा है। तेरह रन हो चुका है। राइट हम ओड विकेट फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई तेजी के साथ फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से दोनों खिलाड़ी गेंद की तरफ आते हैं और दो रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। दो रन के साथ रन संख्या अभी कुल मिलाकर 15 रन बिना किसी विकेट के। अच्छी शुरुआत है, साझेदारी बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन ताबड़तोड़ रन बनाने होंगे, आक्रामकता दिखानी होगी। यदि लगभग 80-85 अगर रन बना लेते हैं, ओपन ग्राउंड है, हवा तेज है, जैसे ही गेंद बल्ले पर आती है अलाउंड कारपेट निकलती है और तेजी के साथ सीमा रेखा की ओर जाती है, तो कहीं ना कहीं एक क्रिकेट का बैंक बैलेंस, जिसे रनों का बैंक बैलेंस कहते हैं, वो 80 के आसपास होना बहुत जरूरी है। विनती है मडगांव टीम, आप फील्डिंग में ज्यादा समय नहीं गवा रखे, अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे तो समय आपके विपक्ष में जाएगा। सीधे बल्ले से खेला, बैक टू बॉलर, यहां गेंद आते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, जब तक के फील्डर आए फील्ड करे थ्रो करे, थ्रो सही नहीं रहा, यहां पर दो रन चुराने में सफल होते हुए 17 रन हो चुके हैं और कुल मिलाकर गेंदी भी लगभग 15 बॉल में 17 रन बनाए, यानी सिंगल और डबल के ऊपर निर्भर किया है बल्लेबाजों ने। 11 गेंदों में 10 रन बनाए वेद ने और 7 गेंदों में 2 रनों का योगदान दिया, 4 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। ओवर नंबर 3 चल रहा है, पहली गेंद पे 2, दूसरी गेंद पे 2, तीसरी गेंद पे 2, चौथी गेंद पर 1 रन यहां लेते हुए। पावर प्ले की ओवर समाप्त हो चुके हैं। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, सामना करेंगे गेंदबाज भरत का। डॉट बॉल आता हुआ यहाँ पर, अच्छा कमबैक किया है, कोई भी लंबा शॉट खेलने में असफल रहे हैं अब तक इस ओवर में। डबल डबल 2-3 डबल आए, 1 सिंगल आया, 1 डॉट बॉल गया, अभी 1 गेंद शेष है, यानी कहीं न कहीं गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है, बल्लेबाज थोड़ा सा दर्पण में नजर आ रहे हैं, फंबल हो रहे हैं, आगे खेले पीछे खेले फ्रंट फुट खेले रूम बनाए हाफ वॉली ले, छोटी गेंद बीच में आती है तो दुविधाएं भी बढ़ जाती है बल्लेबाज की। काफी शॉर्ट गेंद में प्रहार किया यहां स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए, शानदार शॉट। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन देखा बल्लेबाज ने शॉट गेंद
स्क्वायर लेग की दिशा में प्रहार किया था चार रनों के लिए। अंतिम गेंद अच्छी नहीं रही, पिछला सफर पांच गेंदों तक अच्छा रहा, कुल मिलाकर पांच सात रन खर्च किए थे, उसके बाद अंतिम गेंद पर चार रन आने से एक ओवर में उन्होंने 11 रन खर्च किए। रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 22 रन, दो ओवर तीन ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 22, लगभग 7 रन प्रति ओवर औसत यहां चलता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट दूर रखे थे, उनके रडार से दूर रखा था गेंद को, शॉर्ट गेंद की थी, बल्लेबाज जगह से ही बल्ला घुमाते रहे और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 22 रन चौथा ओवर प्रगति पर है, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। फुल टॉस गेंद उसके ऊपर प्रहार करते हुए हवा में गेंद है, फील्डर मिस होते हुए चूकते हुए गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई 6 रनों के लिए। भी देखा है कि डबल माइंड, क्रिकेट में डबल माइंड होंगे तो इसका खामियाजा यही भुगतना पड़ेगा। यदि तीन लड्डू है और दो हाथ में लेना चाहेंगे तो दो हाथ में दो लड्डू ही रख सकते हैं, फिर डबल माइंड हो जाएंगे। शॉट खेला यहां पर मिड विकेट की दिशा में, थ्रो करते हुए ओवर थ्रो होता हुआ, थोड़ा सा एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। रमेश जी, जिस तरह से मैंने कहा कि डबल माइंड, क्रिकेट में डबल माइंड बहुत सारी चीजें होती है, फुल टॉस गेंद आ जाती है और फिर उस पर सोचते हैं कि इसके चौवा लगाया जाए, आक्रामकता की जाए या रक्षात्मक रूप से खेला जाए। इसी तरह से लोग कैचेस आते हैं तो वहां पर भी डबल माइंड होते हैं, कैच लूं या बाउंड्री रोकूं, और वही नजारा हमें पिछले बॉल पे देखने मिला। कट किया शानदार पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्डर आए फील्ड करे, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज। और यदि आपके हाथ में 5-6-7 लड्डू दिए जाते हैं तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है कि दो हाथों में दो लड्डू लेकर अपना काम करे तो बेहतर है। ज्यादा लालची बनना अच्छा नहीं, ज्यादातर व्यावसायिक लोग यहां पर है, आप भी व्यवसाय करते हो तो निश्चित रूप से व्यवसाय करते हुए भी ज्यादा लालची बनना अच्छा नहीं रहता है, जो हाथ में लेता है उसको लेना बहुत जरूरी। यहां पर एक रन चुराते हुए, एक रन के साथ रन संख्या हुई है 29 रन बिना किसी विकेट के। मेरे साथ जुड़े हैं रमेश जी जो इस क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं, और पाटीदार समाज ने हमें निमंत्रित किया था रमेश जी आपको और आपके फिटनेस टीम को, सारे लोगों को आना है, लेकिन सोमवार दिन है, काम का दिन है, कई खिलाड़ी आ नहीं पाए, आप आए हो आपका भी हम स्वागत करते हैं। राउंड विकेट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद, ओह क्लीन बॉल नीचे रहती हुई गेंद, पहले विकेट का पतन होते हुए शानदार गेंदबाजी। पिछले बार मैंने कहा था कि नाम प्रिंस है, लेकिन शुरुआत भी प्रिंस जैसी की है, विकेट हासिल की है, पहली विकेट जिसके तलाश में था, एक 29 रन की साझेदारी को विराम लगाया, यहां पर विकेट गिरता हुआ नजर आया। देखना है यह लक्ष्य कहां तक जाएगा, यह गाड़ी कहां तक जाएगी, कितने रन बटोरने में सफल होते हैं यह देखना होगा। एक कांटे की टक्कर जरूर होगी इस्लामपुर में, जो पिछले वर्ष एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें शानदार यह दोनों टीमों का प्रदर्शन रहा है और दोनों टीमें फाइनल की दावेदार रही है, लेकिन इस वक्त सेमीफाइनल खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टीम को यहां से वापसी होगी,
क्रिकेट से वापसी नहीं होगी, इस ग्राउंड से वापसी होगी। कहीं ना कहीं फिर गोवा में क्रिकेट है, फोंडा में क्रिकेट है, मडगांव में क्रिकेट है, वहां पर खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की वापसी नहीं होती। क्रिकेट के मैदान से जब थक जाता है तो कहीं ना कहीं अंपायर की भूमिका में रहता है, कहीं ना कहीं स्कोरिंग की भूमिका में रहता है, कहीं समालोचन रहता है, समालोचक बन जाता है, कहीं ना कहीं काम करते रहता है। यानी क्रिकेटर की मिसाल हम देते हैं कि टाइगर जो है कभी थक। हेलो हेलो, और कुछ समय के लिए माइक ने संन्यास लिया था, यानी क्रिकेटर थकता। खेल की तरफ आते हैं, उठाकर खेला है, यहाँ पे हवा में गेंद, क्रिकेट में यहाँ कैचेस विन द मैचेस कहते हैं, और कितना नुकसान है यह देखेगी। व्यावसायिक लोग है, क्रिकेट में नुकसान होता है उसका विचार करना चाहिए। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में नफा टोटा नुकसान फायदा सारी चीजें देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस हुआ है, कैच छूटी है, रन मिले हैं, एक ने दो ने तीन ने चार रन मिले हैं, शानदार सीख मौका मिला है। स्ट्राइक पर तुषार है, तुषार की बल्ला बोल रहा है, तुषार का मितुल को अपने अपना खाता खोलना। पिछले मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच के मितुल क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए बिना किसी रन के। रमेश जी, हर क्षेत्र में हम काम करते हैं, चाहे क्रिकेट हो, गेम हो, व्यवसाय हो, रोजनदारी हो, नौकरी हो, तो हम ये चाहते हैं कि हर जगह फायदा हो। तो क्रिकेट में यदि यहाँ पे फायदा हो रहा है, सीधे बल्ले से खेला, गेंद का पीछा करते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, गेंद को रोकते हुए, बहुत शानदार फील्डिंग, दो रन चुराते हुए, यहाँ पर हमने मिड विकेट में लॉस होते हुए देखा। जब कई चीज का लॉस होता है तो बिल्कुल अपने आप को संयम में रखना होगा। अब के बार लॉस हुआ है, अगले बार कोशिश करूंगा, कैच लूंगा, रनों को रोकूंगा। इसे कहते हैं जीवन और जीवन की विचारधारा। 35 रन बन चुके हैं और धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए। फॉली खेला यहां पर, फॉलो थ्रू में बिना किसी रन के, बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर 5 चल रहा है। गेंदबाजी के लिए तैयार। फिर से एक बार यहां पर मिड ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 36 रन बन चुके हैं, ओवर नंबर 5 जारी है, लगभग अभी कुछ ही गेंदों का खेल बाकी है, और निश्चित रूप से 60-65-70 का स्कोर होना बहुत जरूरी। शॉर्ट रन अप है, धीमी रफ्तार से शॉर्ट गेंद कट किया तेजी के साथ, फील्डर स्वीपर कर से फील्डर आए, एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज, शानदार थ्रो, एक रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 37 रन। एक मात्र जो विकेट गिरा है वेद के रूप में। ओवर नंबर 5 चल रहा है, मिथुल को अभी अपना एक रन बन चुका है मितुल के बल्ले से। मेहुल मेहुल बल्लेबाज है, उनको अभी अपना खाता खोलना है। एक रन बन चुका है मेहुल के बल्ले से। नए गेंदबाज उमेश, जिसने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे, अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं। रन संख्या भी है कुल मिलाकर 37 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था यहाँ मडगांव के कैप्टन ने। अलोंग द कार्पेट खेलते हुए एक रन चुराते हुए, एक रन के साथ रन संख्या हुई है 38 रन, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 6 चल रहा है।
जकड़ कर रखा है बल्लेबाज को। तेज गेंद, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तेज निकलती हुई गेंद, छोटा सा रनअप है लेकिन अपने बाजुओं को बिल्कुल जोर लगाते हुए गेंद फेंकी थी, अलोंग द कारपेट खेला, एक रन के साथ 40 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर प्रहार करना होगा। फुटॉस गेंद फाइन लेग की दिशा में तेजी के साथ 4 रनों के लिए, और यहां नो बॉल आता हुआ। बीमर के रूप में गेंद आती हुई, जब बीमर आती है तो बल्लेबाज को बहुत मोहतात होना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, अपने क्रीज में सही तरीके से गेंद के ऊपर निगाहें रखनी पड़ती है। जहां पे फ्री हिट का मौका है, फ्री हिट यानी गिफ्ट जिसे कहते हैं क्रिकेट में, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। देखना है अंपायर का सिग्नल, लमाज साहब अभी नहीं पहुंचा है। प्रगति पर है, फिर से एक बार खोद कर निकाला, यॉर्कर लेन की गेंद थी, लॉन्ग ऑफ का फील्डर आ रहा है, जब तक के फील्ड हो एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 51 रन बन चुके हैं, 51 लॉस ऑफ 1 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। सेमीफाइनल मैच गोइंग ऑन फॉर सेकेंड सेमीफाइनल, करारा शॉट खेला यहां मिड विकेट के ऊपर से, जब तक के फील्डर आए फील्ड करे एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। एक रन के साथ दन सके 52 रन, छठा ओवर यहां प्रगति पर। अब कुछ गेंदें बची है, लगभग इस ओवर की एक गेंद है, आने वाले 12 और 13 रक्षात्मक रूप से यहां पर खेला, पॉइंट की दिशा में फील्डर थ्रो करते हुए, और यहां पर ओवर थ्रो होता हुआ, फिर से बार लॉस होता हुआ, कुल मिलाकर 5 रन आते हुए। नफा नुकसान जोआ पर से खेल रमे तमे, नफा नुकसान भी जोआ पर से, सचो कह रहे हो मोटा भाई? 5 रन यहां पर आए हैं, किसी तरह का नुकसान ना हो इसकी बिल्कुल चिंता करनी होगी हमें, इसका उसके ऊपर विश्वास रखना होगा। जिस तरह से पिछले मैच में गेंद पर एक कैच ड्रॉप हुआ था, कैच ड्रॉप होने के बाद 5 रन आए और या 4 रन आए थे, और यहां पर मिस फील्डिंग में 5 रन आए। समय का ख्याल रखें प्लीज, जल्दी करें। एक और फाइनल होगा, उसके बाद इनामी राशि और जो कुछ वितरण होगा यहां पर, जिस तरह से एक शानदार चषक होगा, और कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन समय की हमें जरूरत है। जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं उसी तरह का सहयोग होना बहुत जरूरी है। मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती सॉन्ग हो, 2 ओवर बचे हैं, 12 गेंदे हैं,
थैंक यू। बीच मैदान में से हम सब्स्टिट्यूट होते हुए देखने वाले हैं मीत बीच मैदान में जगह संभालने के लिए, तुषार की जगह संभालने के लिए बीच मैदान में मीत आने वाले हैं। तुषार को अब रिटायर्ड हर्ड होना पड़ेगा, बैक टू पवेलियन होना पड़ेगा। तुषार की पारी की बात की जाए, तुषार अभी तक नॉट आउट 16 गेंदों में 23 रनों पर खेल रहे थे, रिटायर्ड हर्ड है, फिर से आ सकते बैटिंग को, लेकिन गेंदों की बात की जाए तो 12 गेंदों का खेल शेष है। मीत नए बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं, इस बार देखना होगा किस करवट ये उठ बैठने वाला है। बिल्कुल, एक मीत को हम खेलते हुए देख रहे हैं, एक मीत हमारे चुपलून टीम के सुपरस्टार है जो हमारे साथ खेलते रहते हैं, और यहाँ एक मीत है, देखना है किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। रिटायर हर्ड हुए हैं तुषार, उसकी जगह लेने आए हैं मीत। दो ओवर का खेल अभी शेष है, यानी 12 गेंदों का खेल शेष है, रन बने हैं कुल मिलाकर 57 रन। शॉर्ट गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, फिर से एक बार यहाँ चोटिल होते हुए क्रॉस बल्ले से खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुरक्षित रहने के लिए प्रोटेक्शन जैसे क्रिकेट में कहते हैं, लेदर बॉल में आप हेलमेट देखते हो, एल्बो गार्ड है, पैड है, सेंटर गार्ड है, तो यहाँ टेनिस बॉल को बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन कड़ाके की धूप है, गर्मी है, सेंटर गार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और क्रॉस बल्ले से खेलते हो, तेजू के साथ गेंद आती है, और जब कड़ाके की धूप होती है, गर्मी होती है, उसे तापमान ज़्यादा होता है, तब चोट लगती है तो वो बहुत भयंकर चोट हुआ करती है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, सिर्फ मैदान का नहीं या सिर्फ इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो मैच में भी तापमान सबसे ज्यादा हाई होने वाला है, हाई वोल्टेज इनकाउंटर है बीच मैदान में। फिर एक बार आप देख रहे हैं लड़त पोंडा पायरेट्स बनाम मडगांव वॉरियर्स की है। सुरक्षा फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट जिसे कहते हैं, सुरक्षा फर्स्ट। बद्दा खिलाड़ू ना आह्वान है, सुरक्षा नो ख्याल रखो, सुरक्षा बहुत जरूरी छे, बराबर कही छू? एक खिलाड़ी रिटायर हर्ड हुए हैं जो पवेलियन के डगआउट में उनकी जगह लेने आए थे मीत, नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन थोड़े से चोटिल हुए थे मेहुल, जिनका योगदान अच्छा रहा है मेहुल का पिछले मैच में भी, और यहाँ पर क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे और थोड़ी सी चोट आई, अब चोट से उबर कर आई है। खिलाड़ी को चोट आना ये कोई नई बात नहीं है, काफी शॉट, फिर से एक बार फाइन लेकर दिशा में गेंद तेजी के साथ जाते हुए, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए जब तक के थ्रो करे दो रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, दो रन के साथ रन संख्या हुई है 61 रन, 59 लॉस ऑफ टू विकेट्स, वन विकेट, एक बल्लेबाज मात्र है जो आउट हुए और एक रिटायर्ड। तेजी के साथ पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए यहां पर दो रन आसानी के साथ आते हुए। सुरक्षा और सेफ्टी जिसके बाद में हम कहते हैं, बहुत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रोटेक्शन जो है क्रिकेट में जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार उठाकर खेला है, अपने बाजुओं का शानदार इस्तेमाल करते हुए निश्चित रूप से गेंद जा रही है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और दो विकेट यहां पर सीधे बल्ले से खेला और कवर की दिशा से, एक्स्ट्रा कवर की दिशा से फील्डर आते हुए एक रन से नहीं रोक पाए बल्ले। 60 रन बन चुके हैं एक विकेट के, क्षमा कीजिए 68 रन बन चुके हैं, 68 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। अब सम्मानजनक स्कोर यहां दिखाई दे रहा है, फिर से एक बार यहां फाइन लेके दिशा में गेंद तेजी के साथ जाती हुई, फील्डर जब तक क्या है फील्ड करे एक रन से संतुष्ट होने का
69 रन बन चुके हैं, 69 लॉस ऑफ वन विकेट। और बहुत अच्छा योगदान यहाँ पर बल्लेबाज मेहुल और तुषार की ओर से, 16 गेंदों में 23 रनों का योगदान तुषार ने दिया था, जो अब रिटायर होकर डगआउट में है। 7 ओवर कंप्लीटेड। अब नए गेंदबाज मुकुंद, देखना है मुकुंद अपनी ओर से 6 गेंदे किस प्रकार की करते हैं। रन बने हैं कुल मिलाकर 69 रन। रमेश जी, 6 गेंदों का खेल अभी बचा है, 6 गेंदों में यदि फुटॉस गेंद फिर से एक बार प्रहार किया फाइनल की दिशा में, शानदार फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, सराहना करने होगी। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, इसे कहते हैं फायदा। ये क्रिकेट का फायदा जिस तरह से व्यवसाय में होता है, यहां पे संतुष्ट होंगे। पिछला नुकसान, पिछला बैकलॉग जो है वो भरकर निकालना होगा, कहीं ना कहीं 3 रन यहां बचाने में सफल हुए हैं। बिल्कुल 6 रन हो सकते थे या 4 हो सकते थे, तो समय बताता था, लेकिन कहीं ना कहीं 3 या 5 रन बनाने में सफल हुए। कुल रन संख्या हुई है 70 रन। और अंतिम ओवर में डॉट गेंद आ रही है, सराहना करनी होगी गेंदबाज की। फुलटॉस गेंद सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑन का फील्डर आए फील्ड करे, 1 रन और यहां रन आउट का खतरा, रन आउट के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ। रन बन चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है और सम्मानजनक स्कोर नजर आ रहा है। उसे बड़ शानदार तरीके से उठाकर खेला है, गेंद पर निश्चित रूप से लिखा हुआ है 6 रन, बहुत ही शानदार शॉट। समीकरण हुआ करता है, उसी समीकरण को लेकर मेहुल यहां पर चल रहे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रख रहे। फिर से एक बार करारा शॉट यहां पर, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए मिस टाइम होता हुआ, विकेट गिरता हुआ। केशव नए बल्लेबाज है, केशव अब यहां 1 गेंद बची है, रन उसे दमी बताएंगे। रन बने हैं 77 रन बने हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, 1 रिटायर हो रहे हैं और केशव यहां पर आए हैं, 77 बने हैं, सम्मानजनक स्कोर है। यदि यह गेंद पर क्या होगा देखना होगा। निकल कर खेला था कवर की दिशा, पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए फील्डर फील्ड करते हुए और 78 रन, 78 रन बने हैं, 79 रन बनाने हैं। पिछले मैच में जो स्कोर था 78 का, उसी के लगभग यह मुकाबला चलेगा। सम्मानजनक स्कोर है, फाइटिंग स्कोर है, 48 गेंदे हैं, 79 रन बनाने हैं यदि मैच को जीतना है तो। बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, अभी समय है, 8 ओवर बाकी हैं, 8 ओवर के बाद पता चलेगा क्या कुछ होगा।
खामोश थे, दो चौवे आए थे लेकिन लगातार डॉट गेंद दिखी थी, उसका यहाँ पर भरपाया करना होगा ओवर करते हुए, गेंदबाजी करते हुए किस प्रकार से गेंदबाजी होगी वेद के माध्यम से ये देखना होगा। प्रारंभिक ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, दो ओवर शुरुआत के पावर प्ले के, पावर प्ले के बाद आपको 36 गेंदों का खेल मिलेगा। पहली 12 गेंदों में कितने बनेंगे, अगली 36 गेंदों में कितने बनेंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ इब्राहिम भाई सरगुरे, उनके माध्यम से हम सुनने वाले हैं। धन्यवाद उसे जी, बहुत ही शानदार मुकाबला होने जा रहा है, कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं क्रिकेट की परिभाषा में, कहते हैं कि मैदान में जंग छिड़ी है जिसे कहेंगे कांटे की टक्कर, संघर्ष होगा गेंदों और बॉल के बीच। कम ऑन लेट्स प्ले। यहां पर खेल शुरुआत होते हुए अंपायर की तरफ से सिग्नल आता हुआ, फील्डिंग की सजावट, विकेट के पीछे विकेट कीपर, शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट कवर, अधिकतम दो खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में। 79 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आए, फील्ड करे, एक रन से अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, एक रन बिना किसी विकेट के। पहला ओवर प्रगति पर, चिपलून पाटीदार सनातन समाज की ओर से यहां पर शानदार नियोजन, कट किया यहां पर, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, दो फील्डर गेंद के पीछे लगे हुए हैं, दोनों की हार होते हुए गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रनों के लिए। रन बन चुके हैं, 94 से खाता खोला है रोशन ने, अपने इरादे रोशन कर दिए हैं यहां पर। फिर से एक बार करारा शॉट खेलना चाहते थे, तेजी के साथ निकली गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट के ऊपर से निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। रोशन ने पहली ही गेंद पर प्रहार करके चौवा लिया था और भरत खेल रहे हैं एक रन पर, यानी कुल मिलाकर 5 रन बने हैं, 79 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद है, यहाँ फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, क्लीन बोल्ड होता हुआ, योगदान दिया, 4 रनों का योगदान दिया और क्लीन बोल्ट होते हुए नजर आए। रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 5 एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, नए बल्लेबाज मुकुंद आए हुए हैं और सामना करेंगे गेंदबाज वेद का। वेद ने अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की थी और इस वक्त गेंदबाज की भूमिका में नजर आ रहे, अच्छा परफॉर्म करते हुए यह उभरते खिलाड़ी। अच्छा प्रयास था विकेट के पीछे विकेट कीपर का, एक रन यहां आता हुआ। उभरते हुए खिलाड़ी है, शानदार परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे गल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। और यहां शरीर कट किया, यहां पर मिड विकेट की दिशा में एक रन चुराते हुए, एक रन के साथ रन संख्या भी है कुल 7 एक विकेट के नुकसान पर। एकमात्र विकेट गिरी थी रोशन के रूप में जो क्लीन बोल्ड हुए थे। सफल गेंदबाज है यहां वेद, जिन्होंने पहली सफलता प्राप्त की।
एक ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 7 नए गेंदबाज मेहुल के रूप में। अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से दूसरा। उल्टास गेंद रक्षात्मक रूप से खेला, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, लॉन्ग ऑन का फील्डर जाता हुआ जब तक के फील्ड करे, थ्रो करे, एक रन चुराते हुए, एक रन से रन संख्या भी है 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। चिपलून पाटीदार सनातन समाज की ओर से शानदार नियोजन हम देख रहे हैं। शाम का सत्र है, सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ, रक्षात्मक रूप से खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई तेजी के साथ फील्ड होते हुए, एक रन चुराते हुए, एक रन के साथ रन संख्या हुई है 9 एक विकेट के नुकसान पर। 79 रनों का पीछा हो रहा है, 78 रन बना है, 79 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, दूसरा ओवर प्रगति पर है, पावर प्ले का ओवर यहां चलता हुआ। एक बार यहां करारा शॉट खेलने का प्रयास, रन आउट का खतरा हो सकता है, रन आउट होते हुए रन आउट के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ, शानदार सफलता। ये 2 सफलता प्राप्त होते हुए यहाँ एक रन आउट के रूप में और एक क्लीन बोल्ड। नए बल्लेबाज आते हुए उमेश, देखना है किस तरीके की बल्लेबाजी होती है, अपनी टीम को कहाँ ले जा पाते हैं यह देखना होगा। 8 ओवर का मुकाबला यानी एक शानदार क्रिकेट मैच यहाँ खरौते के ग्राउंड पर हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं। निकल कर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर जाकर फील्ड करे जब तक एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, एक रन के साथ रन संख्या डबल 2 अंकों में जाती हुई 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओ तेजी के साथ निकली गेंद यहां विकेट कीपर के स्थानों में, अपील हुई है लेकिन इतनी असरदार नहीं कि अंपायर की उंगली ऊपर उठे, नॉट आउट किया हाँ अंपायर ने यहां, और बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित होते हुए। फिर से एक बार तेजी के साथ निकलती हुई गेंद, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आगे खेलना चाहते थे, कहीं जाके पीछे खेले आगे खेले जब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 10 2 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी हमने यहां मेहुल की ओर से देखी, कुल मिलाकर अपने ओवर में 3 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त की, 1 विकेट मात्र गिरी है वो रन आउट के रूप में, 2 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं वेद ने, 1 विकेट और मेहुल के रन आउट वेद। और टप्पा खाने के बाद उछाल दिखा यहां गेंदबाज की ओर से, गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है। रिवर्स खेलना चाहते थे, शानदार तरीके से गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई तेजी के साथ 4 रनों के लिए।
14 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार क्रॉस बल्ले से खेला, फाइन लेग का खिलाड़ी आए, मिड विकेट के खिलाड़ी पीछा करते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच गेंद जाती हुई 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है 15, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट मात्र गिरी, 1 क्लीन बोल्ड और 1 रन आउट के रूप में। फिर से एक बार कट किया, यहां पर पॉइंट की दिशा में गेंद तेजी के साथ आउटफील्ड फास्ट अलोंग द कार्पेट 4 रनों के लिए। फिर से एक बार कट करना चाहते थे, असफल रहे। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई बिना किसी रन के, इसको रबी रुका हुआ है। रन संख्या मिली है कुल मिलाकर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी शॉट, यहां करारा शॉट किया अपने बाजू को इस्तेमाल करते हुए, सीधी फील्डर के हाथों 3रा विकेट गिरता हुआ। थैंक यू डीजे, 3 विकेट। उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है, हमारे लेफ्ट साइड में काउंटर है, वहाँ पर चाय है। यदि हमारे जो पुरुष है अगर चाय पीना चाहते हैं तो वहाँ चाय पी सकते हैं। महिलाओं के लिए भी चाय की व्यवस्था की गई है, शानदार नियोजन है। खान पान की व्यवस्था सुबह से चल रही है, चाहे दोपहर का भोजन हो, शाम की चाय हो, और शाम तक क्या कुछ व्यवस्था होगी हम आपको बताते रहेंगे। और संयोजक बता रहे कि चाय में छुपी हुई है चाहत, चाय में छुपी हुई है चाहत, आप आइए और चाय पी जाइए, और चाय पीने के बाद चाहत को बरकरार रखी है। जिस तरह से टूर्नामेंट चल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, टूर्नामेंट हर साल प्रतिवर्ष कहीं कहीं अनेक जगहों पर होते हुए नजर आते हैं। स्कोर की तरफ आएंगे, कुल मिलाकर 19 रन बन चुके हैं, विकेट मात्र गिर चुके हैं 3 और ओवर समाप्त हो चुके हैं 3, चौथा ओवर प्रगति पर। निकल कर खेलना चाहते थे, यहां पर बीट होते हुए गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, 19 रन बन चुके हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। एक बार हवा में गिरते हैं, नो मैंस लैंड गिरती हुई 1 रन चुराते हुए 20 रन बन चुके हैं। अब गेंदे बची है कुल मिलाकर 27 और रन बनाने हैं 59, यानी 59 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। बहुत ही संघर्ष भरा मुकाबला होगा, 27 गेंदे और 59 रन, अंतर दुगना है, अंतर दुगना है। समय निकलेगा, यात्रा सफर जारी है और
कहाँ जाके यह यात्रा जो है रुकती है और किसकी जीत होती है यह हमें दिखाएगा। आठवें ओवर की अंतिम गेंद, फिर से एक बार विकेटकीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई बिना किसी रन के। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां देखने मिल रही है फोंडा की ओर से। वेद और फोंडा की जहां से जहां तक प्रश्न है, गेंदबाजी जो हुई है शानदार गेंदबाजी हमने देखी। फुलटॉस गेंद थी, ये वाइट यॉर्कर के रूप में गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी वेज की ओर से। इस खिलाड़ी ने निश्चित रूप से पहले दिन से ही प्रभावित किया है, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। पिछले मैच में भी हमने शानदार बल्लेबाजी करते हुए देखा है, इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में दिख रहे हैं। से एक बार चकमा देती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, एक ओवर, इस ओवर में मात्र एक रन खर्च किया, सराहना करनी होगी। दो ओवर में कुल मिलाकर 8 रन खर्चे करते हुए एक रन, एक विकेट प्राप्त की। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। दो में 59 रनों की आवश्यकता। एक बार मीत यहां गेंदबाजी करते हुए, रन आउट का खतरा हो सकता है। बाल बाल बचते हुए सुरक्षित अपने क्रीज में एक रन चुराते हुए, एक रन के साथ रन संख्या भी कुल मिलाकर 21 रन। धीमी गति से यहां रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदों में 58 रन बनाने हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी बिल्कुल कट कराते हैं, मिश्रण कराते हैं, गेंद में परिवर्तन करते हैं। क्रॉस द अंपायर निकलते हैं, अंपायर और विकेटों के बीच से दौर। और फिर एक बार अंपायर अपने हाथों को फैलाते हुए एक रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ 22 रन बन चुके हैं। धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार अंपायर को मौका मिला है दोपहर के भोजन के बाद एक्सरसाइज का। निकल करके खेलना चाहते थे, शरीर पे गेंद टकराती हुई बिना किसी रन के, इसको रोका हुआ 23 रन विकेट गिरे हुए हैं 3। यहां पर अपील, जोरदार अपील अंपायर की उंगली उठते हुए, विकेट नंबर 4, शानदार विकेट नंबर 4।
और यहां पर क्लीन बोल्ड होते हुए पांचवा विकेट गिरता हुआ शानदार गेंदबाजी। हैट्रिक ऑन है यहां पर, मौका जरूर है, दूसरी बार मौका आया है किसी टीम के लिए हैट्रिक लेने का, और कप्तान सोचते होंगे कहीं ना कहीं हैट्रिक किस तरह से दिलाई जाए। क्रिकेट में रणनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है रणनीति के लिए, कि किस तरह से फील्डिंग की सजावट हो और उसी माध्यम से गेंदबाज को सपोर्ट हो और उनके नाम पर हैट्रिक लगे, यह प्रयास होगा। बाल बाल बचे, बाल बाल फ्लाइट थी गेंद को ललचाती हुई गेंद थी, फिर से एक बार यहां गेंदबाज विकेट कीपर चोटिल होते हुए ओवर की समाप्ति। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 30 रन, 18 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। शानदार गेंदबाजी इस पिछले ओवर में कुल मिलाकर 3 रन खर्च किए हैं। पहला ओवर ला 7, दूसरा ओवर ला 3, तीसरा ओवर ला 9, चौथा ओवर ला 3। पहले ओवर में कुल मिलाकर 7 रन आए, दूसरे ओवर में 3 जो मेहुल ने किया था और रोहित की ओर से 9 रन खर्च हुए। वेद ने कुल मिलाकर केवल 1 रन खर्च किया था और मीत ने यहां पर 3 रन खर्च किए। और जहां तक विकेट का प्रश्न है, जहाँ पर हमने देखा कि मीत जो है सफल रहे विकेट लेने में, कुल मिलाकर 2 विकेट लिए और 1 सफल रहे रोहित जिन्होंने 1 विकेट लिया, एकमात्र विकेट जो गिरी है रन आउट के रूप में, और 1 विकेट प्राप्त की वेद ने। टोटल 5 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर बन चुका है कुल मिलाकर 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पांच ओवर समाप्त होते हुए 23 रन बन चुके हैं। थोड़ा सा मैच जो है धीमी गति से चल रहा है, रन बनाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है बल्लेबाजों को। चाय का समय चल रहा है, सबसे यहाँ जो खिलाड़ी है उपस्थित है, मेहमान है, महिला वर्ग है, सबसे विनती करते हैं कि चाय का स्वाद ले। भोजन के बाद चाय का समय है और सारी चीज़ें अगर समय समय पर होती है तो बहुत सही तरीके से समय बीतता है, और समय पर 24 और 26 लगाना भी जरूरी है, तब जाकर कहीं आप मैच को जीत सकते हैं। 23 रन बन चुके हैं, जीत के लिए 56 रन दरकार हैं, 18 गेंदे और 56 रन, यानी सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा आपको। रिवर्स के शॉट खेला यहां पर शानदार फील्ड होते हुए, बहुत ही सही तरीके से दिशा को देखा गेंद कहां जा रही है और पीछा करते हुए फील्ड करते हुए 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 17 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है, 17 गेंदे 55 रन। फुल टॉस गेंद ललचाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, अब 16 गेंदे 55 रन, गेंदे कम होते जा रही है और रन वही पर शॉट किया था। गेंद में परिवर्तन शानदार तरीके से, पिछली गेंद बिल्कुल वाइड यॉर्कर के रूप में, अब तेजी के साथ शॉट गेंद पे की थी, छोटा सा रनर अप। ओहो, यहां फिर से एक बार ललचाती हुई गेंद थी, विकेट कीपर को बीट करते हुए, बल्लेबाज को बीट करते हुए बिना किसी रन के। अब गेंदे बची है कुल मिलाकर 14 और रन बचे हैं 55, गाड़ी वहीं पे रुकी है।
और यहाँ पे विकेट गिरने का मौका जरूर था, फील्डर ने जरूर प्रयास किया था लेकिन असफल है। एक रन के साथ रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 25 रन। अच्छा स्कोर रखा था 79 जिसका पीछा करते हुए बीट होते हुए, विकेट कीपर को बीट करते हुए, बल्लेबाज को बीट करते हुए एक रन आता हुआ, नहीं सॉरी क्षमा कीजिए, डॉट गेंद जाती हुई ओवर समाप्त होते हुए केवल 2 रन खर्च किए इस ओवर में। अब बची है कुल मिलाकर 12 गेंदे और 12 गेंदे में रनों रन दरकार है 54 रन बनाने हैं। 12 गेंदों में 54 रन बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन यहाँ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट मात्र एक ऐसा खेल है अंतिम गेंद तक कहना उचित नहीं। यदि हर बॉल पर प्रहार करते हैं छक्का चौवा, यानी प्रति ओवर 25-26 रन अगर आते हैं तो कहीं 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 ना कहीं मैच जीत सकते हैं। अब बल्लेबाज को मौका है कि कहीं ना कहीं हीरो बनने का, शाम का समय है, चाय का समय है और हीरो बनने का समय है। अब हीरो कौन बनता है यह देखना होगा, गेंदबाज या बल्लेबाज। और शुरू से अब तक हम देख रहे हैं कि गेंदबाज जो है बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरह से हावी नजर होते हुए आ रहे हैं। गेंद से निकली फुल टॉस गेंद, यहां पर करारा प्रहार किया है, गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों खेल रहे हैं। निकल कर खेलना चाहते थे, यहां पर एक रन दूसरे रन के लिए आना चाहते, मना किया बाय और के रूप में 2 रन आते हुए 31 रन बन चुके हैं। अब केवल मैं समझता हूं कि औपचारिकता खेल में बाकी है। फुल टॉस गेंद मौका जरूर था यहां पर, फुल टॉस गेंद पर प्रहार करने का, 1 रन मात्र आया है। बहुमूल्य मुकाबला चलता हुआ, सेमीफाइनल का मैच चलता हुआ, जिस तरह से बल्लेबाजी करनी थी उसी प्रकार की बल्लेबाजी यहां नजर न आई। किसी न किसी तरीके से गेंदबाज जो है वो पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आए बल्लेबाजों पर। ओहो, कराना शॉट खेला है, बहुत ही लंबा छक्का, बहुत ही शानदार शॉट 6 रनों के लिए। शॉट लगाया था, इसी शॉट की अपेक्षा थी शुरू से, दिशा से यहाँ भटकते हुए अंपायर अपने हाथों को फैलाते हुए 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ, रन संख्या हुई है 39 रन। 40 रनों की जरूरत है, हमारे सहयोगी स्कोरर उसेद बता रहे हैं 9 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। फिर से एक बार प्रहार करना चाहते थे, असफल रहे, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। कोई भी दर्शक कोई भी मुकाबला उसे एक तरफा नहीं देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि कांटे की टक्कर हो। फिर से एक बार क्रॉस बल्ले से खेलना चाहते थे, ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब बचा है 1 ओवर। डीजे अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, 1 ओवर बाकी है और 40 रन बनाने हैं।
एक ओवर 40 रन, यदि प्रति गेंद पर छक्का भी लगाते हैं तो जो एक ओवर में हमने 36 रन बनते हुए देखे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखे, टेनिस क्रिकेट में देखे हैं, महाराष्ट्र में कई जगह पर एक ओवर में 7 छक्के आते हुए देखे, एक गेंद 9 बॉल गिरी थी और 6 गेंदें थी, 6 गेंदों पर 6 छक्के, एक 9 बॉल पर छक्का, गेंद नंबर 1 जहां पर छक्का नहीं सिंगल है, यानी आप अब मैच में बाकी नहीं रह सकते, केवल औपचारिकता। अब किंतु परंतु अगर मगर इफ बट व्हाट ये नहीं कह सकते। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, केवल औपचारिकता इस मैच में हम देख रहे हैं। पिछला मुकाबला बहुत सुंदर रहा, इस मैच में संघर्ष जरूर होते हुए नजर आया, यहां पे गेंदबाज पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आए बल्लेबाजों के ऊपर। एक बार घुमाना चाहते थे, तेजी के साथ निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। यॉर्कर लेन की गेंदे है, इस गेंदबाज के बाद शॉर्ट गेंदे करते हैं, छोटी गेंद भी है, किसी तरह से बल्लेबाज के रडार में गेंदे नहीं आती, बल्लेबाज को ढूंढना पड़ता है गेंदे कहाँ हैं, और अंत में गेंद जाती है विकेट कीपर के दस्तानों में। मिशन करते हुए कुछ नया सीखने का प्रयास, मौके ऐसे ही होते हैं गेंदबाज को कि जब मैच अपने पक्ष में हो तो कुछ न कुछ नया सीखा जाता है, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, और उसी का प्रयास करते हुए यह गेंदबाज, उसको पता है कि मैच हमारे पक्ष में है, हमको सीखना है कि हम गति परिवर्तन कैसा करें, और उसी का प्रयास किया था। केवल 2 गेंदे, वाइड बॉल आता हुआ अंपायर की ओर से, 41 रन, 179 का जो स्कोर था उसका पीछा करने में यह असफल होते हुए मडगांव वॉरियर्स अपने हाथों को खोला है फील्डर गेंद के नीचे, ओ यहां पर कैच छूटता हुआ, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे कैचेस आपको लेने होंगे, फाइनल मैच को यदि खेलना है तो ऐसे कैचेस लेने होंगे, इस वक्त इसका खामियाजा नहीं है, लेकिन हो सकता है फाइनल में ऐसे मैच कैच अगर छूटते हो तो मैच छूटने के भी चांसेस हुआ करते हैं। अंतिम गेंद इस सेमीफाइनल मुकाबले की, और यहां पर क्लीन बोल्ड गति पर परिवर्तन में के शिकार होते हुए बल्लेबाज, और सीधा फाइनल में प्रवेश होता हुआ पोंडा की टीम का। पोंडा टीम ने सीधा फाइनल में प्रवेश किया, और सामना होगा मिरज के साथ, शानदार मुकाबला हम लेकर आएंगे कुछ ही समय के बाद।